So welcome to all of you, and here we are going to discuss some of the most important science questions, okay, related for REET, okay. And these questions can be also asked in TET and CTET exams, okay. And this question has been releasing from chemistry tutorials, okay. So let's see, actually in this some qualities like that, well, explanation is done, okay. एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वेश्चन टू कम इन एग्जाम, ओके, जो भी क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें से क्वेश्चन आपको 20 या 30 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नॉट टू कैच सिमिलरली मीन्स जो भी क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं तो उनके कॉन्सेप्ट को समझो, ना कि आप उसको रटो, ठीक है. कम ऑन द फर्स्ट स्लाइड. इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, सपोज दैट आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें आपको दो लेंस दिए गए हैं, ठीक है. तो एक लेंस से आपको अक्षर छोटा दिखाई दे रहा है तो वो लेंस आपका कैसा होगा, अवतल होगा, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, तो इसका रीजन क्या है टिमटिमाने का, अपवर्तन के कारण, ठीक है. तो इसमें अपवर्तन किसका हो रहा है, प्रकाश का हो रहा है, ठीक है. तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन सही, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, ठीक है. कहने का ये मतलब है आपके जो भी कण हैं, तीन प्रकार के कण होते हैं, ठीक है, जो मेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके. तो इसमें से इन्होंने पूछा कि कौन सा इसमें से ऐसा कण है जो आवेश रहित है, जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है. तो दिस कण इज न्यूट्रॉन, ओके. थर्ड क्वेश्चन है कैसे इन पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, ठीक है. कहने का ये मतलब है कि सपोज दैट आप किसी भी प्लांट का इंटरनल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आंतरिक संरचना की स्टडी कर रहे हैं. सो उस आंतरिक संरचना का एक ब्रांच बना दी गई है, ठीक है. तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं शारीरिकी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है. कहने का ये मतलब है कि प्रकाश में कितनी कोई भी सन रेज होती है उसमें 7 आपको कलर दिखेंगे, ठीक है, विगोर नाम से जाना जाता है. और उसमें भी अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी कलर का होता है, ठीक है, सबसे इंटेंस दिखती है बैंगनी, ठीक है. सार्स क्या है, सार्स एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु मतलब वायरस, ठीक है, वायरस के द्वारा मीडिएटेड है सार्स रोग, ठीक है. और आपका जो कुछ इस समय जो करंट सिचुएशन है इसमें कोरोना COVID-19 जो बोला जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि COVID-19 क्या है, तो ये भी एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है. लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है. तो N2O इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. और किसी भी पर्सन या एनिमल को आपको थोड़ा भी सूंघाओगे तो क्या करता है कि हंसने लगता है, ठीक है. तो इसको हम लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम उसका नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O नाम से जाना जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्किड में वेलामिन ऊतक पाया जाता है, ठीक है. आर्किड एक प्लांट है आपका, ठीक है, और उस प्लांट में एक ऊतक पाया जाता है, वो ऊतक का नाम क्या है, वेलामिन, ठीक है. तो वेलामिन जो पाया जाता है वो मूलों में पाया जाता है, मूल मीन्स जड़, ठीक है, जड़ों में पाया जाता है. तो आर्किड की जड़ में कौन सा पाया जाता है, वेलामिन ऊतक, ठीक है. तो मूलों की जगह पे जड़ भी बोल सकते हो. न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है तो जड़त्व का, या भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, न्यूटन का पहला गति नियम आधारित है तो जड़त्व पे, ठीक है. समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर यूज़ किया जाता है, मतलब समुद्र को गहराई, ठीक है, अगर उसका नीचे आप उसकी गहराई नापते हो तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उसका नाम क्या है, फेदोमीटर, ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ओके. सो लेट्स सी, इन दिस कार्य का मात्रा आपको पता ही जूल होता है, ठीक है, और प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का. ये क्वेश्चन अच्छा है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का. एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व, ठीक है. तत्व को हम क्या बोलते हैं, तत्व को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है. आइटम क्या होता है, परमाणु, ठीक है. तो आइटम मिला के, आइटम से सपोज एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को क्या बोलोगे, परमाणु. बट दो हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन H2 बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तत्व, मॉलिक्यूल, ठीक है.
आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? क्वेश्चन का मतलब है जो आपका पोटैटो होता है उसमें एक रोग हो जाता है जो कि मोजेक नाम से जाना जाता है, ठीक है, और किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ठीक है। लाइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं, ठीक है। लाइकेन क्या है? मिश्री जीव। मिश्री जीव मतलब उसमें क्या है, दो करेक्टर होते हैं, शैवाल फंगस और एल्गागा, ठीक है। सॉरी, लाइकेन जो है थैलोफाइट्स का मेंबर है, तीन टाइप के उसमें है, आपका एल्गा हो गया पहला, फंगस हो गया, देन लाइकेन होता है, ठीक है। तो लाइकेन जो बना होता है वो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो दोनों के करेक्टर इसमें पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, कवक एवं शैवाल से बनने वाला जीव क्या है, मिश्री जीव क्या है? तो लाइकेन है, ठीक है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर, क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन करने का पार्ट कौन है बॉडी में? तो हाइपोथैलेमस पाया कहाँ जाता है? आपके ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वाता जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो जिंक निकालती है, ठीक है। तो जिंक की क्वालिटी क्या है? अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन रिलीज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जीव विज्ञान दो साइंटिस्ट थे, लैमार्क एंड ट्रेविरेंस, ओके। तो दोनों ने मिलके जूलॉजी, जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं, जूलॉजी, इसको उन्होंने नाम दिया जूलॉजी वर्ल्ड, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सो ये तो मैंने क्वेश्चन कर, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है, चिप्स यूज़ किए जाते हैं, आईसी चिप्स बोलते हैं। वो एक पदार्थ की बनी होती है, उस पदार्थ इनऑर्गेनिक मेटल होता है, उसका नाम क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो वह क्या क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी होती है? तो उसकी छाया अनंत बनेगी, ठीक है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स सिलिकॉन, ये भी ये सारे रिपीट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी वस्तु का, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये वाला, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पड़ता है तो उसका छाया कैसे बनेगी, अनंत। तो ये सारे एक्चुअली ये रिपीट हो गए हैं, ठीक है, दिस इज़ माय फॉल्ट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग, ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है, एक रोग हो जाता है फूट एंड माउथ, तो वो किसके द्वारा होता है, वो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में एल्केन्स मतलब आपके जो भी हैं सिंगल बॉन्ड सारे कंपाउंड में हैं, और नाम क्या है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मतलब ये प्रोपेन जो है C3 कार्बन में, ब्यूटेन आपका क्या होता है, 4 कार्बन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, वह वैज्ञानिक जिसमें रेडियम की खोज की, तो रेडियम की खोज करने वाले नाम क्या था, मैडम क्यूरी। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है फुहारा, ठीक है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर एक्चुअली एक सागर है, उसको लाल सागर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसका वाटर का जो कलर है लाल होता है, उसमें वाटर का कलर लाल होने का कारण वाटर का कलर नहीं, जबकि उसमें उस समुद्र में क्या होता है, नीचे जो आपका इनर सबसे आप बेस बॉटम पे चले जाओ तो उसमें एक शैवाल पाया जाता है, शैवाल को हम एल्गा बोलते हैं। उस एल्गा का मेंबर जो है रेडोफाइसिस से बिलोंग करता है और रेड कलर का होता है, उसका मतलब अब एक कह लो कि परछाई जो होती है उस वाटर को रेड कलर में रूपांतरित कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो इसमें क्या है, मूत्र में प्रोटीन्स आ रही हैं, ये आपका आ रही हैं जो आपका फिल्टर होता है बहुत सारे इसमें आप जो भी खाते हो, ठीक है, आइदर इट में भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स आर फैट्स, ओके, देर आर वेरी बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं। बट अगर आपके जो व्रक है, व्रक इन द सेंस किडनी है, और किडनी आपकी सही नहीं है तो मतलब उसमें फिल्टर लगा होता है, तो फिल्टर अगर उसमें जो एक छन्ना भी लगा होता है तो उसमें अगर होल्स बड़े हो गए तो प्रोटीन डायरेक्टली छने की नहीं, डायरेक्टली आपकी मूत्र में आ जाएगी, तो मतलब व्रक की रोग है, ठीक है। एम्फीबिया बनाता है, एम्फीबिया जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं,
जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडो कार्पिन खाया जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुयन हॉक ने की। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कुछ क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सुबह का सूरज इतना गर्म क्यों नहीं होता। तो काफ़ी डिस्टेंस जो है पृथ्वी और सूरज की काफ़ी ज़्यादा होती है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन यूज होती है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन यूज होती है। फेल किस वर्ग का प्राणी? स्तन पाई है। फेल क्या है? स्तन में मैमल्स मतलब जो हम लोग हैं उसमें आता है। ठीक है, और फेल बच्चे देती है ना कि अंडे देती है। ठीक है, तो फेल जितने भी स्तन स्तनधारी हैं वो बच्चे ही देते हैं। ठीक है, तो फेल भी इसका एक एग्जाम्पल है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है। सिरका अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका अचार में। मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह क्या है? रेटिना या दृष्टि पटल है। एनोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो पवन के वेग को एनोमीटर मतलब वायु को मापने का यंत्र है। ठीक है, द्रव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर होता है। जीवाश्मों की वायु निर्धारित करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार से भी आ जाता है कि कार्बन डेटिंग से क्या होता है? तो जीवाश्मों की वायु निर्धारित की जाती है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो पानी से भरी डाट अगर किसी बोतल में आप पानी भर रहे और उसमें अगर आइस जम गई, आइस बन जाती है, पानी भर के अगर आप फ्रिज में रख देते हो तो अगर आइस बनी तो बोतल क्रैक हो जाती है, क्योंकि उसका जल का आयतन बढ़ जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हो गई स्लाइड। बॉल पेन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पृष्ठीय तनाव पर आधारित है। फाउंटेन पेन किस नियम पर आधारित है? तो फाउंटेन पेन आपका केशिका क्रिया पर आधारित है। ठीक है, नींबू नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक एसिड होता है, सिंपल है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? एल्युमिनियम कोबाल्ट और निकल से। ठीक है, इनको क्या है, हम सब मिला के बनाते हैं, एल्युमिनियम कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, तो इसलिए इसको मिश्र धातु बोल दिया। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़े, फेफड़ा मुख्य पार्ट है। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा को रोकने के लिए। चमकीली में क्या होता है? विकिरण कम होता है तो उसमें टेम्परेचर हानि कम होती है। तो आप देखे होगी बहुत सारे थर्मल सेल्स हैं जिसमें आप रख दो तो पूरे दिन कोई भी इधर टी रख रहे हो या वाटर रख रहे हो तो ठंडा या अपना मेंटेन रहता है टेम्परेचर। लांटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चल जाता है? केसी तत्व के कारण। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेप्टेरियोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है लेप्टेरियोलॉजी में कि लेप्टेरियोलॉजी ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है? तितलियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हुए। चमकने वाला मांसों में प्रयुक्त होने पदार्थ आपका फास्फोरस है। तो फास्फोरस एक ऐसा है जो जिसमें फ्लेमेशन की पावर होती है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। अगर वाटर को आप हीट कर रहे हो थोड़ी देर बाद वेपर्स बनते हैं, मतलब उसके अणु वेपराइज हो रहे हैं, वाटर से कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? भाप में हो रहे हैं। किसी बांध की दीवार नींव पर आधारित चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है। ठीक है, सो ये आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो लेट्स सी अगेन। ओके, सो मीट यू। ओके, सो थैंक यू फॉर